माई चैनल व्यूअर्स, आज हम आपको एक खूबसूरत सा पाइपिंग नेक लाइन बनाना सिखाएंगे। व्यूअर्स, इससे पहले भी हम दो यूनिक स्टाइल पाइपिंग नेक लाइन बना चुके हैं, अब हम ये तीसरा बनाने जा रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम गले की शेप को फ्यूजिंग पे कट करेंगे। तो इस फोल्डेड साइड से हम गले की चौड़ाई 3 इंच तक लेंगे। और इसी तरह से हम गले की लंबाई 7.5 इंच तक लेंगे। और यहाँ से हम गले की चौड़ाई 3.5 इंच तक लेंगे। और यहाँ हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ इस कॉर्नर से हम यहाँ 2 इंच तक निशान लगाएंगे। और यहाँ इस कॉर्नर से हम इस तरह से गले को राउंड शेप देंगे। और यहाँ से भी हम हल्का अंदर की तरफ गोल शेप देते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम इस तरह से गोल शेप देते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और अब हम गले की कटिंग करेंगे। ने गले को कट कर लिया है, अब हम गले के अंदर के हिस्से से मज़ीद 1 इंच तक निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी हम 1 इंच तक निशान लगाते हुए फ्यूजिंग को राउंड शेप में कट करेंगे। जब हम इस अंदर वाले पार्ट को इस तरह से फ्यूजिंग के साथ इस तरह से गले के साथ ज्वाइन करेंगे और इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। व्यूज, हमने कमीज़ का सेंटर सेट कर लिया है, अब हम यहाँ गले और कमीज़ का सेंटर सेट करने के बाद यहाँ कमीज़ की उल्टी साइड में इसको इस तरह से सुई से चिपकाएंगे। अब हम यहाँ फ्यूजिंग के साथ साथ किनारे किनारे पे गले की कटिंग करेंगे। अब हम गले के अंदर से जो हमने पार्ट कट किया था इसको भी हम कपड़े पे चिपकाएंगे। किनारे पे फ्यूजिंग के साथ कटिंग करेंगे। और यहां से हम 1/2 इंच बढ़ाते हुए कटिंग करेंगे। ये जब हम यहां गले पे पाइपिंग अटैच करेंगे और इस अंदर के पार्ट के भी दोनों साइड्स में हम पाइपिंग अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पाइपिंग के टर्न किए हुए किनारे को खोलेंगे और इस तरह से यहाँ पे सिलाई करेंगे।
फ्रेंड्स, अब हम यहाँ इसको इस तरह से डन करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम अंदर के पार्ट को भी दोनों साइड में फ्यूजिंग अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम गले के अंदर वाले पार्ट को यहाँ गले पे, यहाँ कॉर्नर से 1 इंच के फासले पे यहाँ पे सेट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम गले के अंदर वाले पार्ट को यहाँ गले पे, यहाँ कॉर्नर से 1 इंच के फासले पे यहाँ पे सेट करेंगे। अब हम यहाँ दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इस गैप में लूप्स का डिज़ाइन देंगे। उसके लिए हमने ये लूप्स रेडी कर लिए हैं। हमने पाइपिंग के किनारों को खोल के इस तरह से इसको टर्न करने के बाद दोनों साइड्स में सिलाई लगा के इसको पलट के सीधा किया है। तो इस तरह से हमने ये लूप्स रेडी कर लिए हैं। अब एक को हम आपके सामने रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने ये लूप्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको इस तरह से अंदर की तरफ सेट करेंगे, इस तरह से। अब हम इनको अंदर की तरफ सेट करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
व्यूअर्स, अब हम यहाँ ऊपर की साइड में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम इन लोब्स को सुई धागे की मदद से सेंटर से गैदर करेंगे। हमने यहाँ पे लूप्स को गैदर कर लिया है। अब हम यहाँ ऊपर की दोनों साइड्स में भी डिजाइन देंगे। उसके लिए हमने हाफ इंच फ्यूजिंग की स्ट्रिप को कपड़े में सेट करके यहाँ एक साइड पे पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम यहाँ कॉर्नर पे इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ ऊपर भी लूप्स का डिज़ाइन देंगे। तो उसके लिए हमने पाइपिंग से ये लूप्स तैयार कर लिए हैं, तो इनको हम इस तरह से इसके साथ यहाँ पे सेट करेंगे। और इस तरह से हम इनको यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी डिज़ाइन देंगे और उसके लिए पहले हम स्ट्रिप को इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ पे सेट करेंगे कॉर्नर में। इस तरह से व्यूअर्स, हमारा पाइपिंग नेकलाइन मुकम्मल हो गया है। हमने यहाँ पे छोटे पर्ल भी लगाए हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपका दिल चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये पाइपिंग नेकलाइन बहुत पसंद आएगा। तो देखते रहिए ग्लैमरस डिजाइनिंग वीडियोस और हमारी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो टिल देन द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।